नमस्कार, हमारे चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की रेसिपी मैं बनाऊंगी शहतूत के फल का अचार। पेड़ की डाली से हमने ये देखिए शहतूत का फल तोड़ लिया हुआ है, मिर्ची लिया है, इसका डंठेली साफ कर लिया है, लहसुन का कली का छिलका उतार लिया है, लहसुन और मिर्ची को कूट लेना है। पीली वाली हमने सरसों लिया है, सिलबट्टे पर इसे पीस लेना है। किस तरीके से शहतूत का अचार बनाना है तो चैनल पर बने रहिएगा पूरा वीडियो देखने के लिए। कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल, मंगरेल मेथी सौंफ का तड़का लगाना है। तड़के पक गए हैं, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। कूटा हुआ मेथी डाल देंगे। अब डालेंगे शहतूत का फल। इसका स्वाद दोस्तों खाने में खट्टा मीठा लगता है। अब दोनों को चला देना है, कूटी हुई मिर्ची को और शहतूत को। अब डालेंगे कूटा हुआ लहसुन, साथ में मिला देना है। अब डालना है पीसा हुआ सरसों, आप इसकी जगह पीले की जगह काली भी सरसों ले सकते हैं। अब डालना है हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक। सारी सामग्री को अच्छे से चला के मिला देना है। शहतूत का अचार बीच बीच में चलाते रहना है, बस थोड़ी ही देर में तैयार होने वाला है। शहतूत का अचार चला देना है। ये देखिए दोस्तों, कढ़ाई में लगने लगा है, एकदम बढ़िया से पक गया है। खट्टा मीठा तीखा चटपटा अचार बनके तैयार है। आप लोग इसे रोटी के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, यही सीजन है बनाने का, इसी समय में शहतूत का फल पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। शहतूत के फल का अचार किस तरीके से बनाया जाता है, हमारे चैनल पर इसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी तरीके से मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।